नेपाल में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। त्रिशूली नदी में दो बस बह गई है, बसों के अंदर 63 यात्री। नेपाल से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां हाईवे पर हुए भूस्खलन के कारण यात्रियों से भरी दो बसें हाईवे के पास से बह रही त्रिशूली नदी के तेज बहाव में बह गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हादसे में कई यात्रियों की मौत की आशंका बताई जा रही है। इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार बस नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही थी। लैंडस्लाइड की वजह से ये बसें उसकी चपेट में आ गईं और यह हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार इस हादसे की जानकारी उन्हें इन बसों में सवार कुछ यात्रियों से मिली। इन यात्रियों ने बस के नदी में गिरने के बाद तैरकर अपनी जान बचाई और बाद में हादसे में किसी तरह बचे कुछ यात्रियों ने घटना के बारे में पुलिस को खबर दी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश जारी किए।